अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में मैं मौजूद हूं और उनसे जानूंगा कि कांग्रेस को अमेठी के लोग क्यों वोट करें। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शहबाज अहमद है, यूथ विधानसभा का कोषाध्यक्ष हूं मैं। शहबाज भाई, अमेठी के लोग कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट दें, क्योंकि 2019 में भाजपा का ये दावा है कि 2019 में राहुल गांधी जब से यहाँ से हारे उसके बाद वो लौट के नहीं आए और अब उन्होंने यहाँ गांधी परिवार से कोई ना लड़के किसी और को टिकट दिया है, हालांकि वो उनके ही सहयोगी रहे हैं, पर आप कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट दें? देखिए, कांग्रेस पार्टी को जनता इस बार इसलिए वोट और देना चाहती है क्योंकि माननीय मंत्री जी जो यहाँ से सांसद हुई हैं, पिछले 10 साल से कैबिनेट में मिनिस्टर रही हैं और वो जिस चीज़ की मिनिस्टर रही हैं उस चीज़ों को यहाँ से वो लेके चली गई। जैसे वो शिक्षा मंत्री रही हैं तो उन्होंने IIT अमेठी को यहाँ से बेच दिया, खा लिया। तो इस तरह से देखते हुए सलोन जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, यहाँ से बगल की विधानसभा है रायबली लोकसभा से वो ऊंचाहार है, वहाँ से एक रेलवे लाइन प्रस्तावित थी जिसका शिलान्यास आज के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया था यहाँ के सलोन की सरजमीन पर। और ये ऊंचाहार से होकर सलोन गौरीगंज अमेठी होते हुए शाहगंज तक की लाइन थी, कोई अमेठी तक या कोई सलोन तक सीमित नहीं थी, ये शाहगंज तक की लाइन थी, उसको भी इन्होंने बेच लिया, खा लिया। उसके बाद इन्होंने मेगा फूड पार्क, जिस चीज को ये कहते हैं उस चीज को ये खा जाते हैं, सबसे बड़ी बात इनकी ये है। और इन्होंने पिछले 10 सालों में, ये माननीय सांसद जी 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं और 5 साल यहाँ से सांसद रहीं, उससे पहले ये 10 साल राज्यसभा सांसद रहीं, इन्होंने एक भी बड़ी योजना, इनके कार्यकर्ता ये खुद बता दें कि एक भी बड़ी योजना जो ये लाई हो जो केंद्र की हो। आप अभी जिस रोड से आए हुए हैं ये सलोन टू जौनपुर हाईवे है जो कि माननीय राहुल गांधी जी ने 2010 या 11 में दिया है, 2014 में बन के तैयार, उसके बाद से आज पास के क्षेत्र में, जबकि पिछली बार हम लोगों की गलतियां थी या लोगों की जो भी चीज़ थी उस वजह से राहुल जी सलोन विधानसभा हारे हैं, ये बात हम उसकी टीस है हम लोगों को, मगर स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा से लंबी लीड से जीती है, मगर सलोन विधानसभा को उन्होंने एक भी चीज देने का कार्य नहीं किया है। आप इस बात से वाकिफ रखते हैं, अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम विनोद मौर्य है। अमेठी का इस वक्त माहौल क्या है, राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी आप कैसे देखते हैं? अमेठी का माहौल जो है बहुत हाई हो चुका है, पहली बार की तरह चुनाव इस बार नहीं है। पहली बार जिस तरह से हमारी जो सांसद जी हैं अभी वर्तमान में, उन्होंने जिस तरह से जुमलों के बौछार करी थी अमेठी की जनता से, उन्होंने गले फाड़ के बोली थी कि हम 13 रुपए में आपको चीनी दिलाएंगे, 250 में सिलेंडर दिलाएंगे, 40-60 रुपए में, 50 रुपए में पेट्रोल डीजल दिलाएंगे। इस तरह से उन्होंने जितने भी जुमले किए थे अमेठी की जनता अब वाकिफ है उनसे अच्छी तरह से। उन्होंने अपना किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, अमेठी की जनता जान चुकी है वो सिर्फ जुमलों की बौछार कर सकती हैं, वो उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। अब इस बार जनता बदलाव चाहती है और जनता कांग्रेस को। यहाँ से लोगों को उम्मीद थी कि गांधी परिवार का कोई शख्स चुनाव लड़ेगा, आप कितना आहत हो जाओ आपको पता चला कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे? जी, हमें बहुत खुशी हुई कि 35-40 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे, यहाँ के लोगों को बाई नेम बाई फेस जानने वाले, यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ताओं को हमारे बीच में जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ही संघर्ष कार्यकर्ता को टिकट दे। सर, मेरा नाम हसन रजा है। क्या माहौल हसन साहब यहाँ का? सर, यहाँ का माहौल एकदम कांग्रेस के लिए बना है, लोग यहाँ कांग्रेस को पसंद करते हैं, उनके दिलों में बसती है कांग्रेस। बस पिछली बार कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब की जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारा है वो जमीनी नेता, आज से नहीं 40 साल पहले से वो मेहनत करता हुआ आ रहा है, वो जमीन में जड़ों को पकड़े हुए, और अब की वो भरपूर वोटों से विजय होगा। और ये नफरत का बाजार जो है ये अब की खत्म हो के रहेगा और मोहब्बत की दुकान खुल के रहेगी। पर ये कांग्रेस पार्टी को लेकर के भाजपा तो ये कह रही है कि अरे भाई डरो मत का जो नारा दे रहे थे, वो खुद क्यों डर के भाग गए? उनको डरना नहीं चाहिए, उनको अमेठी से लड़ना चाहिए था। देखिए, गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जो हमेशा त्याग और बलिदान पे रहा है,
जिसने उनकी सेवा की 40 साल से वो पार्टी में जमीनी नेता सेवा की, उसने उसको उसका फल आज इस तौर पर दिया गया है। उसको अंतरनल ये छोड़ के भाग गया, भागा गांव, बगल में तो रायबरेली है, लोकसभा वो भी है, बगल लोगों को तकलीफ नहीं कि आपके अब नेता राहुल गांधी बगल की सीट पर चले। तकलीफ में माता जी की जगह बेटा आ गया, बहुत खुशी है, माता जी की उम्र हो रही है, अब वो भी उसको देखेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अपने कार्यकर्ता को मौका दे रहे हैं, ये आगे बढ़ने का वो कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता का हौसला बढ़े और मेरी कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर चुनाव को विजय करे। कार्यकर्ता का हौसला बढ़ा रहे हैं। यहीं क्या है रायबरेली की? जी रायबरेली। क्या शुभ नाम? इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम? मंजेश रोज। क्या माहौल है अमेठी का? अमेठी में माहौल ये है कि अब की बार कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आ रही है जी, पर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी 2019 में जब से यहाँ चुनाव हारे फिर लौट के नहीं, स्मृति ईरानी लगातार यहाँ लोगों के बीच में रही, ऐसा बीजेपी का कहना है, आप कैसे देखते हैं? जी देखा जा रहा है क्योंकि पहले से ही काफ़ी समय से कांग्रेस यहाँ जीतती जा रही है, तो उसके हिसाब से ये था कि बदलाव कुछ चाहिए, यहाँ पे भी दूसरी पार्टी आए तो उसको दिखाए कि थोड़ा अलग दिखाया यहाँ पे, तो भाजपा को दिया गया मौका भी दिया गया, भाजपा को दिया गया। पिछली बार भाजपा को वोट दिया था वो क्या रहा 2019 से 24 तक आपने भाजपा को वोट दिया, उनके सांसद भी रहे, लेकिन वो कुछ खास नहीं किया उन्होंने भी, ये जो ठीक ठाक रहा यहाँ, लेकिन अब ये क्या मौका बदलने वाले हैं? हाँ आपकी फिर यही रहेगा कि कांग्रेस दोबारा लाया जाए। बिल्कुल, तो देखिए ये अमेठी के लोग हैं, अमेठी की जनता है, इसमें कुछ अमेठी में कांग्रेस के समर्थक भी हैं और कुछ आम लोग भी हैं जो अपनी बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।